सो गाइस अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप क्लाइंट को शेड कार्ड दिखाते हैं, एक्चुअल में वो कलर आपका जो है प्रॉपर तरीके से आ नहीं पाता, मतलब एग्जैक्ट शेड नहीं आ पाती। इसका रीजन क्या होता है गाइस, आज उसके बारे में हम समझेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक हमारा वो शेड कार्ड के ऊपर है। गाइस ये प्रॉब्लम पता कब आती है कि हमारी जब एग्जैक्ट शेड नहीं आ पाती, कहीं ना कहीं गाइस प्रॉब्लम का रीजन ये भी होता है कि हमें एक्चुअल में शेड कार्ड का मीनिंग नहीं पता। शेड कार्ड में जो कलर होते हैं किस तरीके से विजुअली वो दिखाए जाते हैं कि वो एग्जैक्ट शेड ऐसा कब आएगा, ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो भाई शेड कार्ड का जो कलर होता है वो एक्चुअल में सिंथेटिक हेयर होता है, आप सभी को पता है, और आपने देखा होगा कि जैसे क्लाइंट ने हमसे 5 नंबर मांगा, 5 नंबर लाइट ब्राउन होता है। आप शेड कार्ड में देखना कि उसमें जो 5 नंबर का कलर दिखाते हैं ना, वो एकदम ब्राउन दिखाते हैं, और एक्चुअल में जब हम उसे करते हैं तो वो कई क्लाइंट को हमेशा ब्लैक कलर ही दिखेगा, क्योंकि वो कहीं से दूर दूर तक ब्राउन नहीं दिखेगा। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं। तो भाई पहला रीजन ये होता है कि वो ना सिंथेटिक हेयर होते हैं जो शेड कार्ड में दिखाए जाते हैं, उसमें हमेशा ना डेप्थ को और वाइब्रेंसी रिफ्लेक्शन को बढ़ाकर दिखाया जाता है, ताकि क्लाइंट को दिखे वो शेड एक्चुअल में कैसी है। शेड कार्ड जैसा है एक्चुअल में, आपको अगर शेड चाहिए तो बालों में आपको प्री लाइटनिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया 5 नंबर का शेड कार्ड में कलर बिल्कुल ब्राउन सा थोड़ा सा दिखाते हैं, वो वैसे एक्चुअल में नहीं आता है, क्योंकि जो शेड कार्ड में जो कलर होते हैं ना, जो कलर होते गाइस वो आफ्टर प्री लाइटनिंग के बाद वाले हेयर कलर होते हैं। जैसा कि आप शेड कार्ड में 7.3 देखो, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। वो इस तरीके का कब दिखता है, जब आप आफ्टर प्री लाइट करके 7.3 को 10 या 20 वॉल्यूम में डिपॉजिट करोगे, तब जाके आपका जो 7.3 है इस तरीके का दिखेगा। क्लाइंट ने सलून में विजिट किया और हम शेड कार्ड दिखाते हैं, तो क्लाइंट ने अगर मान लो 7.3 कलर पसंद करा है, तो हम क्या करते हैं 7.3 को मतलब 20 में, तो खैर नहीं हमें लगता है कि 20 में क्या ही कलर लिफ्ट होगा, तो 40 में लगाते हैं। 40 में कलर मिलाने के बाद भी वो एक्चुअल शेड नहीं आ पाती, क्योंकि गाइस उसका रीजन यही है, आफ्टर प्री लाइटनिंग के बाद जो कलर आता है वो शेड कार्ड में दिखाया जाता है। शेड कार्ड में हमेशा 9.1 देखिए एस कलर दिखाया जाता है, ठीक है, एस के मतलब उसमें रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन 9.1 आप डायरेक्ट करो तो 9.1 आपको वैसा नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ वो कूल ब्राउन जैसा कलर दिखेगा, क्योंकि वो आप डायरेक्ट लिफ्टिंग कर रहे हो, और शेड कार्ड पे हमेशा आपको दिखाया जाता है जो आफ्टर प्री लाइटनिंग वाली शेड है। तो कभी भी आप अपनी क्लाइंट को हमेशा समझा के रखेंगे कि अगर क्लाइंट ने 7.3 मांगा है तो उनको बताए कि ये कलर जो है आफ्टर प्री लाइट के बाद आपको ये कलर अचीव होगा। अगर वो कहते हैं कि ये मुझे प्री लाइटनिंग नहीं करानी है, तो उनको ये भी बताए कि अगर इसको हम नॉन प्री लाइट करेंगे तो ये कलर ऐसा दिखेगा। और गाइस अगर आप 8.3 करते हो तो प्री लाइट के बाद, तो आपको गोल्डन ब्लोंड दिखता है, लेकिन 8.3 अगर आप डायरेक्ट करोगे तो वो ना गोल्डन ब्राउन दिखेगा, उसमें मतलब सीरीज जो आपकी है ब्राउन की तरफ चलेगी, रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी गोल्ड की रहेगी, क्योंकि उसमें आपने क्या करा है विथाउट प्री लाइटनिंग कलर करा है, ठीक है। विथाउट प्री लाइटनिंग में इतनी पावर नहीं होती कि कलर में कि वो आपको ब्लोंड की तरफ ले जाएगी, क्योंकि एशियन हेयर जो होता है आप सभी को पता है काफी ज्यादा डार्क होता है, तो बिना प्री लाइटनिंग के शेड कार्ड जैसा कलर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अगर आपको लगता है कि ये कलर आ जाएगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब 5.66 देख लीजिए, इस तरीके का दिखाया जाता है शेड कार्ड में, लेकिन आप डायरेक्ट करोगे ना सिर्फ रेड का सिर्फ टिंट दिखेगा, वो भी आपको सिर्फ सनलाइट में दिखेगा, ज्यादा मतलब इंडोर में आपको इतनी वाइब्रेंसी के साथ नहीं दिखेगा जितना कि शेड कार्ड में दिखाया जाता है। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि शेड कार्ड वाली एग्जैक्ट शेड आपकी प्री लाइटनिंग के बाद आएगी। ये वाला डाउट तो आपका गाइस क्लियर हो गया होगा। और गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ वार्म कलर के बारे में, कुछ कूल कलर के बारे में। आप सभी को बताऊंगा वार्म कलर हमारे कौन से होते हैं, कूल कलर कौन से होते हैं। वार्म की मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट वार्म हमारा हो गया 0.3, 0.4, 0.5 हो गया, 0.6 हो गया, ये हमारे वार्म कलर हो गए, जो हमारा हो गया गोल्ड हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया और महोगनी हो गया, इस तरीके के जो शेड है हमारे सारे वार्म है। और कूल कलर गाइस हमारे कौन से होते हैं, 0.2 हो गया, 0.1 हो गया, 0.7 हो गया, 0.8 हो गया, ये सारे हमारे होते हैं कूल कलर। अगर क्लाइंट कहती है कि मुझे कुछ ऐसा कलर चाहिए जो ज्यादा दिखे, ज्यादा वाइब्रेंट हो, तो उनको हमेशा वार्म फैमिली ही पसंद आती है ज्यादातर। आप कोशिश करिए कि उनको वार्म फैमिली में ले जाए, क्योंकि वार्म कलर जो है वो ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं, वो हमें ज्यादा दिखते हैं। अब वो मैं आपको देखो 0.3 गोल्ड है, वो गोल्ड हमेशा आपको पता होगा एक हाईलाइट में भी देते तो वो अलग अलग से ही दिखता है। गोल्ड कलर का छोटा भी अगर गोल्ड कलर का पैच आता है वो अलग दिखता है, ब्राउन कलर का जो पैच आता है वो इतना नहीं दिखता। तो हमेशा उनको रेडिश फैमिली में ले जाओ, कॉपर फैमिली में ले जाओ, गोल्ड फैमिली में ले जाओ, मतलब वॉर्म की साइड उन क्लाइंटों को आप ज्यादा कलर दिखाए।
अगर क्लाइंट कहते हैं मुझे एक सटल सा लुक चाहिए, सबटल सा लुक चाहिए, बिल्कुल कलर ज्यादा वाइब्रेंट ना हो, ज्यादा मतलब दिखे ना, मतलब ज्यादा तड़कता भड़कता कलर ना दिखे, तो आपको उनको हमेशा कूल फैमिली में ले जाना है। कूल फैमिली मतलब मोका कलर हो गया, ब्राउन चेस्टनट हो गया, कॉफी ब्राउन हो गया। ब्राउन से अगर हटके आपको जाना है तो आप बर्गेंडी शेड में ले जाना, लेकिन बर्गेंडी में वोलेट टिंट ज्यादा होना चाहिए। बर्गेंडी में आपको पता है रेड और वोलेट मिक्स करके बनता है, लेकिन रेड अगर ज्यादा रखोगे तो वो वार्म की तरफ जाएगा, वॉलेट ज्यादा रखोगे तो कूल की तरफ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इसमें कस्टमाइज करना पड़ेगा कलर। आप उनको वॉलेट का टिंट ज्यादा दोगे तो कूल की तरफ जाएगा थोड़ा। अगर उनको बर्गेंडी टोन में जाना है, वो ज्यादा वाइब्रेंट नहीं चाहिए कलर, तो वॉलेट का जो टोन है उसको हमेशा बढ़ाए। या उसके लिए आप अलग से बूस्टर भी यूज कर सकते हो। अगर आपको कहीं बूस्टर यूज करना नहीं आते तो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि बूस्टर को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो यही प्रॉब्लम होती है गाइस, जो हमारी एग्जैक्ट शेड नहीं आती। एक तो आपको वार्म और कूल के बारे में नहीं पता होता कि कलर जो वार्म ज्यादा दिखेगा या कूल ज्यादा दिखेगा, वो यही रीजन होता है कि या एक तो वो सिंथेटिक हेयर होते हैं, वो आफ्टर प्री लाइट वाले रिजल्ट होते हैं जो हमें शेड कार्ड में दिखाए जाते हैं। तो ये बात आपको ही क्लाइंट को समझानी है कि ये आफ्टर प्री लाइट वाले कलर है, नॉन प्री लाइटनिंग हमारा कलर इस तरीके का आएगा। अब आप कंफ्यूज हो गए कि नॉन प्री लाइट वाला कलर हमें कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट को कहाँ से दिखाएगा, शेड कार्ड में तो होता नहीं है। तो गाइस आप कभी भी जो नॉन प्री लाइट वाला हेयर कलर करते हो तो आप उसकी फोटो क्लिक करके रखे, वीडियो बना के रखे, ताकि आप अपने कोई क्लाइंट आए उनको आप पोर्टफोलियो बना के रखे, ताकि आपकी कोई क्लाइंट आती है वो फोटो वीडियो आप उनको दिखा सके कि ये नॉन प्री लाइट के बाद आपका कलर ऐसा आएगा, अगर आप इसको प्री लाइट करवाओगे तो इस तरीके का शेड कार्ड वाला आएगा। और गाइस बस इसमें आपको ये फर्क रह सकता है कि क्लाइंट का बाल कुछ का डार्क होता है, कुछ का लाइट होता है। ये आपका एक्सपीरियंस ही गाइस बताता है कि मतलब डार्कर शेड पे इतनी डेप्थ के साथ आएगा, या फिर बाल लाइट है तो उसमें इतनी डेप्थ के साथ आएगा। तो गाइस इसमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस दोनों ही काम करते हैं जब हम कोई हेयर कलर करते हैं। तो गाइस आई होप गाइस आपको अच्छी वीडियो समझ आ गई होगी। और गाइस साथ ही साथ में आपको वार्म और कूल कलर के बारे में भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वार्म कलर कूल कलर कैसे दिखते हैं। अगर हमें वाइब्रेंसी की तरफ जाना है तो वार्म कलर यूज करें, अगर हमें थोड़ी सी डेप्थ दबा के कूल सबटल लुक चाहिए तो हम कूल कलर की तरफ जाएंगे। तो गाइस ये नॉलेज आपको तभी होगी जब आपको वार्म और कूल की नॉलेज होगी। इस वीडियो के बाद आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा वार्म कलर और कूल कलर के बारे में, और एग्जैक्ट शेड ना आने के रीजन और उनके कारण पता चल गए होंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज गाइस नॉलेजेबल होती है काफी ज्यादा। बिगिनर्स को काफी ज्यादा माइंड में मतलब क्वेश्चन बनते हैं कि शेड कार्ड में तो कलर ऐसा दिखाया था लेकिन एक्चुअल में आया नहीं। ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी उन बिगिनर्स के लिए जिनके माइंड में ऐसी थॉट्स आती है। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।